दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 4.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपसे पूछा रहा है। यहाँ NCERT बुक में आपको दिया गया है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दे दिया गया है और उसके आपको रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। मेथड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। आप यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से इनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इक्वेशन जो दिया गया है इसको आपको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर ये हो पाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। एक्स माइनस वन अपन एक्स इजकल टू थ्री, एक्स नॉट इजकल टू जीरो। अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो दोस्तों वेरिएबल पार्ट खत्म हो जाए, तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक्स नॉट इजकल टू जीरो यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स एक्स मल्टीप्लाई वन वन से मल्टीप्लाई, तो नीचे बच गया एक्स इजकल टू थ्री। अब ये एक्स उधर जाएगा तो इधर भाग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे 3x को इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस वन, चूंकि इधर था क्या प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ए इक्वल टू निकाल लीजिए वन, अब विद साइन आपको लेना है, बी इक्वल टू माइनस थ्री, सी इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, अब क्या करेंगे आप, अब आगे आपको ये करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान में टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है माइनस थ्री, तो यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस थ्री हमने रख दिया ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे स्क्वायर होगा माइनस फोर ए, ए की वैल्यू क्या है वन, सी की वैल्यू क्या है माइनस वन, नीचे भी आप कर दीजिए ए की वैल्यू वन, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 का 9, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 कम 4, और नीचे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और 4 कितने आ जाएंगे 13, तो 3 प्लस माइनस रूट में 13 अपान में 2। तो यहाँ आप दिखाएंगे एक पॉजिटिव ले लीजिए और एक नेगेटिव, तो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव लेंगे तो ये 3 प्लस अंडर रूट में 13 अपान में 4 2 एक रूट हो जाएगा, और दूसरा जब नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा x इजकल टू 3 माइनस रूट में 13 अपान में 2, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड रूट। तो ये दोनों रूट आपको निकालने थे ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ मॉडिफाई किया क्वेश्चन को और ये क्वांटिटी के फॉर्म में चेंज कर दिया, और उसके जनरल इक्वेशन से हमने क्या कर लिया, कंपेयर, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले हमने रख दिया और यहाँ से इसके रूट फाइंड आउट हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया गया है, तीसरे का सेकेंड, 1 अपान में x प्लस 4 माइनस में x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30, और यहाँ पे आपको दिया गया है x नॉट इक्वल टू माइनस फोर और 7, ये होना नहीं चाहिए, अदरवाइज वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए इसको भी स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसका इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो एक्स माइनस सेवन ब्रैकेट के अंदर रखिए, इसको भी इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ नीचे हो जाएगा एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन इक्वल टू 11 बाई 30, ठीक है। अब ऊपर क्या कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट खोल लीजिए, तो माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और नीचे क्या एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस सेवन इक्वल टू 11 बाई 30,
दोस्तों अब यहाँ से देखिए, x x से कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे कितना हो गया, -7 -4 -11 हो गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे -11 अपान में x माइन एक्स प्लस 4 और x -7 इक्वल टू 11 अपान में 30, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि हम इधर इधर भेजेंगे तो ये नीचे भाग हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका जो बचा फाइनल 1 -1 अपान में एक्स प्लस 4 अपान में एक्स -7 इक्वल टू 1 अपान में 30। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीफिकेशन कर लीजिए 30 और इसको इधर भेज दी, तो ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 और एक्स -7, ठीक है। थोड़ा मैं डी मतलब अच्छे से बता रहा हूँ, नहीं तो सटाक से कर देता, थोड़ा टाइम नहीं लगता, ले आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ। तो -30 अब इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x और 7 चौक 28, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस -28, तो यहाँ -30 को रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर अब 4x में से -3x, तो माइनस 7x घट रहा है, तो -3x और -28, ठीक है दोस्तों। इसी चीज को मैं इस साइड लिख ले रहा हूँ, -3x 28 और उधर -30। अब इसको इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर -3x -28 +30, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। अब 30 में से 28 घटा तो एक्स स्क्वायर 3x और यहाँ पे बच गया क्या आपका 2, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लीजिए, ए 1 बी -3 सी 2, तो ये आपका क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब आपको लिखना है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4 AC अपान में 2A। अब इसकी क्या कर लीजिए, वैल्यू एक एक करके रख दीजिए, तो x इजकल टू b की वैल्यू क्या है, -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 4 AA की वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू 2 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस 9, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 दूनी 8 अपान में 2 अंजा 2, 9 में से कितना गया आपका 8, तो बचा क्या 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 अपान में 2। रूट 1 की वैल्यू क्या भी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स इजकल टू 3 प्लस माइनस 1 अपान में 2, ठीक है। अब एक बार क्या कर लीजिए, आप पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव, तो हम ले रहे हैं एक बार पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा एक्स इजकल टू 3 प्लस 1 और अपान में 2, तो ये हो जाएगा 4/2 और यहाँ आ जाएगा 2, तो यानी एक्स की एक वैल्यू क्या आई आपकी, 2 आई, ठीक है, एक वैल्यू 2 आई। अब लेते हैं निगेटिव साइन, ठीक है, जब निगेटिव साइन लेंगे तो एक्स इजकल टू 3 -1 अपान में 2, तो ये आ जाएगा 2 अपान में 2, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट आए हमारे, पहला क्या आया एक्स इजकल टू 2 एक्स इजकल टू 1, तो ये हमारे होंगे रूट्स, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने कंपेयर किया, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, और जैसे ही लगाया ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इसके रूट क्या होंगे फाइंड आउट हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर आप कमेंट करें या फिर मैसेज करें, ईमेल करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।